साइबर सिटी गुरुग्राम में राजस्थानी परंपरा देखने को मिली। मौका था राजस्थान स्थापना दिवस का। साइबर सिटी में राजस्थान स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर राजस्थान के सांसद बालकनाथ ने गुरुग्राम वासियों को राजस्थान की संस्कृति से रूबरू कराया। सांसद बालकनाथ की माने तो इस तरह के कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात को सार्थक करते हैं। भारत एक है, एक था और एक ही रहेगा। 2024 में देश एक बार फिर कमल खिलाने का काम करेगा। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के सवाल पर सांसद ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ये तो वही बता सकते हैं कि उनकी सदस्यता क्यों रद्द की गई। स्थापना दिवस के रूप में भाई नवीन जी और उनकी पूरी टीम ने मिलकर इस बड़े सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो उनका भाव है, जो इस कार्यक्रम का करने का एक उद्देश्य है कि भारत को एकजुट करना है, भारत के लोगों को एक विचार के साथ में जोड़ते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो हमारा एक कल्पना है, हमारा जो एक सपना है और जो एक उद्देश्य आज भारत का, उसको मिलकर पूरा करना है। उसी भाव से इस कार्यक्रम का भाई नवीन और उनकी पूरी टीम ने आयोजन किया है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य और इसका संदेश बहुत भव्य है, बहुत बड़ा है, बहुत विस्तार है उसका। और निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रमों में हम साथियों मेरे जाने का प्रयास भी करते हैं और साथ में ऐसे कार्यक्रमों में हम आपके माध्यम से लोगों से अपील भी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से इस वर्तमान समय का हम भरपूर उपयोग करते हुए और एक दूसरे भाई का हाथ पकड़ते हुए अपने भारत को आगे बढ़ाने में हम सब लोग मिलकर काम करें। तो इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है, यही संदेश है और यही मेरा आप सब के माध्यम से, आप सभी टीवी चैनल, सोशल मीडिया चैनल जो भी हैं, इन सब के माध्यम से जन जन तक यही मेरी अपील है कि सब लोग जुटकर इस समय का हम सब लोग अपने भारत के लिए काम कर अपने भारत को आत्मनिर्भर भारत, श्रेष्ठ भारत बनाने की ओर आगे बढ़े। आप एक मुखर सदस्य हैं संसद का, देखने की बात कही ऐसा कुछ नहीं है। देखो लोग अपनी अपनी भावनाएं, अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं। राजस्थान स्थापना दिवस के संयोजक नवीन गोयल की माने तो गुरुग्राम में अनेक भाषा और अनेक संस्कृति के लोग रहते हैं। भारत में अनेक वेशभूषा और बोली के बावजूद भी देश एक है। देश के प्रधानमंत्री ने जो सपना भारत को एक करने का देखा था, वो साकार हो रहा है। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय नेता श्याम जाजू की माने तो जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो भी देश के प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहा है। देश की जनता सब देख रही है और 2024 के चुनावों में ऐसे लोगों और ऐसी पार्टियों को करारा जवाब देगी। ये देश नकारात्मक ताकत पर कभी एकत्रित नहीं हो सकता। लोगों ने इन सबको जांचा है, परखा है। जिनकी क्रेडिबिलिटी समाज से खत्म हो गई, उनको व्यक्तिगत ताकत नहीं रही, उनका आत्मविश्वास खत्म हो चुका है और उनको ऐसा लगता है कि वो जनता को बहलाकर इस प्रकार की सत्ता उनको मिल जाएगी, लोगों ने तय कर रखा है। मोदी जी ने अपना मेटल प्रूव किया है। मोदी जी के सिवाय देश में कोई अल्टरनेट नहीं है। 24 में USP क्या होगा बीजेपी का? बीजेपी ने इतने दो कार्यकाल में इतना बड़ा काम किया है, देश का पूरा परिवर्तन हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय हो, इकोनॉमी का विषय हो, खेती का विषय हो, सभी विषयों में नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है, इसका श्रेय मोदी जी को। आप दंगे का जिक्र कर रहे थे आप, और अभी बंगाल में और बिहार में आम आदमी पार्टी देखा गया का मामला उठा रही है, कह रही है श्याम जाजू जी और आगे भी एक बार आ जाए मेरा। आज हमारा गुरुग्राम मिनी इंडिया बन गया है। आज गुरुग्राम के अंदर अलग अलग स्टेटों के लोग गुरुग्राम की तरक्की में बड़ा विशेष योगदान करते हैं। आज हमारा देश के अंदर अनेक भाषाएं, अनेक वेशभूषा, अनेक विभिन्नता होने के बाद भी हमारा पूरा भारत एक है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का वो सपना के एक बार श्रेष्ठ भारत, उसमें श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी जो पार्टी प्रेसिडेंट हमारे, जो दिन रात सेवा संगठन के माध्यम से प्रयास करते हैं, उन्होंने मुझे इस कमेटी का सह संयोजक बनाया है। आज असम स्थापना दिवस, उत्तराखंड स्थापना दिवस, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के बाद आज हम राजस्थान स्थापना दिवस बनाया है और बड़ी संख्या में राजस्थान के भाइयों ने मिल करके वहाँ की संस्कृति का नृत्य भी देखा है, वहाँ करके कलाकारों को बड़ा अच्छा कार्यक्रम भी और इस कार्यक्रम के अंदर मेहनत। बहरहाल राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए भाजपा ने साइबर सिटी में राजस्थान स्थापना दिवस मनाया, राजस्थान के वोटरों को साधने का प्रयास किया। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि भाजपा का ये प्रयास कितना कारगर साबित होगा। फिलहाल तो भाजपा पूरी तरह से आश्वस्त है और वोटरों को रुझाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही। सत्य खबर हरियाणा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।